नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है। कल हमने वूल के बारे में पढ़ा था, गुड क्वालिटी ऑफ वूल किससे मिलती है, सॉर्टर डिजीज क्या है, थर्मामीटर कितने से कितने रेंज तक टेम्परेचर नापता है, और हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था, हमने सी ब्रीज के बारे में पढ़ा था और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था, लिटमस के बारे में जाना था, रस्टिंग क्या होता है उसके बारे में जाना था, और कुछ एसिड का नाम पढ़ा था कि ये किस में पाया जाता है और बेस ये किस में पाया जाता है। तो कल की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे वेदर। वेदर में क्या होता है कि जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फियर की, उस जगह पे विद रिस्पेक्ट किसके, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, ये जो डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फियर की उस जगह की, इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये उस जगह का क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, मौसम हिंदी में, ये उस जगह का क्या कहलाता है, वेदर। और ये जो वेदर रिपोर्ट्स होती है इसको किसके द्वारा प्रिपेयर करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। दोस्तों ये वेदर में जो चेंज होता है, ये वेदर में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कॉज्ड बाई सन, क्योंकि सन जो होता है वो उच्च ताप पर क्या है, गर्म गैसों का क्या है, गर्म गैसों का गोला है, गैसों का गोला है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी जो है वो बहुत अधिक होती है, परंतु उसके द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है दूरी होने के बावजूद भी, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए समस्त समस्त उष्मा और प्रकाश का क्या है, वो हमारे लिए स्रोत है। तो ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा क्या है, सूर्य ऊर्जा हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है, और यही सूर्य ऊर्जा ही क्या है, हमारे मौसम में क्या लाता है, ये परिवर्तन लाता है। दूसरा रेनफॉल, दोस्तों जो ये रेनफॉल होता है इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको मेजर करते हैं रेन गैस के द्वारा। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट का मतलब होता है दोस्तों उस जगह की जलवायु। जलवायु का आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो, बहुत लंबे समय तक, मान लो 25 वर्षों के बाद कह सकते हो कि 25 वर्षों के बाद उस जगह का एवरेज वेदर पैटर्न जो ऑप्टेन होता है वो उस जगह की क्या कहलाती है, वो उस जगह की कहलाती है जलवायु। एग्जाम्पल के लिए डिजर्ट जो है, डिजर्ट में क्या होता है, डिजर्ट में बहुत कम, वेरी लिटिल, डिजर्ट में वेरी लिटिल, बहुत कम वर्षा होती है, तो वहां की जलवायु कैसी होती है, वहां की जलवायु गर्म होती है, गर्म होती है। लेकिन जो नॉर्थ एस्टर्न इंडिया है वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो वहां की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, वो वेट होती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पोलर रीजन क्या है, पोलर रीजन का मतलब होता है ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। दोस्तों अब हम पोलर रीजन की बात करेंगे, पोलर रीजन का मतलब है ध्रुवीय क्षेत्र, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पोलर रीजन क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जो बर्फ से ढका होता है और पूरे साल मैक्सिमम क्या होता है, ये ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो बर्फ से ढका होता है, इसमें 6 महीने जो है सन जो है वो सेट नहीं होता है, बैठता नहीं है एक पोल पे, और दूसरे 6 महीने पे सन निकलता ही नहीं है। दोस्तों जब पोलर रीजन में इतनी ठंड होती है तो वहां पे रहने वाले जीव जंतु कैसे रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ एडॉप्टेशन हो जाता है,
क्लासिक्स की एनसीईआरटी में भी मैंने बताया था कि पोलर बियर और पेंगुइन में किस तरह से अडॉप्टेशन होता है और वो वहां पे कैसे रह लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये पोलर बियर है, ये पूरी तरह से क्या है, सफेद बालों से ढका हुआ है। चूंकि जमीन भी जो है, जो इसकी ग्राउंड होती है, ये भी पूरी बर्फ से ढकी रहती है, जिसकी वजह से प्रेडेटर और प्रे से आसानी से देख नहीं पाते हैं। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इसके पास क्या होती है, सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने प्रे को आसानी से कैच कर लेता है। इसके पास, इसके जो पैर होते हैं, इनके पास लॉन्ग कर्ब और बहुत शार्प क्ला होता है, जिसकी वजह से ये जो है आइस पे चल लेता है आसानी से। इसके पास क्या होता है, फैट, थिक फैट की लेयर इसके स्किन के नीचे पाई जाती है, जो इसे क्या करती है, इसे गर्म रखती है, क्योंकि फैट एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और इसकी बॉडी को क्या है, गर्म रखता है। इसकी बॉडी पे जो मैंने बताया कि फर पाया जाता है सफेद कलर का, ये दो लेयर का होता है, दो थिक लेयर होती है फर की, जिसकी वजह से ये ठंडियों वाले मौसम में अपने आप को गर्म रखता है। दोस्तों ये पेंगुइन आप देख रहे होंगे, इनका भी जो शरीर होता है, ये भी व्हाइट होते हैं, व्हाइट होते हैं, व्हाइट फर से ढके होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो मर्ज कर जाते हैं, क्या जो व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड है उसमें मर्ज कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं। इनकी भी स्किन कैसी होती है, इनकी स्किन जो होती है वो थिक स्किन होती है, थिक स्किन होती है, और लॉट ऑफ फैट होता है, फैट होता है जो इन्हें क्या हो करता है, जो इन्हें ठंड से बचाता है। दोस्तों इसमें एक एग्जांपल है माइग्रेटरी बर्ड का। आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, जब वो उस स्थान की जलवायु होती है चरम हो जाती है, तो उस जलवायु की चरम परिस्थितियों से बचने के लिए ये पक्षी क्या करते हैं, ये 15-15 हजार किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ये ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं। ये पक्षी जो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड, इसे प्रवासी पक्षी कहते हैं, ये बहुत ऊंचाई पर अपनी उड़ान भरते हैं, उड़ान भरते हैं, उड़ान भरते हैं। संभवतः ये जो पक्षी होते हैं दिन में क्या करते हैं, दिन में सूर्य और रात्रि में तारों का इनको मार्गदर्शन मिलता रहता है, और पक्षी दिशा पता करने के लिए क्या करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता करने के लिए, दिशा पता करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भी उपयोग करते हैं, क्षेत्र का उपयोग करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड के एग्जाम्पल में ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो साइबेरियन क्रेन होती हैं, साइबेरियन क्रेन होती हैं, वो कहाँ से आती हैं, साइबेरिया से कहाँ आती हैं, साइबेरिया से आती हैं भरतपुर, भरतपुर जो राजस्थान में है, भरतपुर जो राजस्थान में है, राजस्थान में है, और कहाँ आती हैं, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर जो हरियाणा में है, जो हरियाणा में है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दोस्तों ये बहुत हॉट क्लाइमेट रीजन है, क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के पास होता है। ठंडी में भी इसका टेम्परेचर जो है वो 15 से ज्यादा ही होता है, और गर्मी में तो इसका टेम्परेचर 40 के पार निकल जाता है। इसमें जो दिन और रात होता है वो एक बराबर होता है पूरे साल, और ये रीजन, इस रीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो एग्जाम्पल क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है क्या, वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया। अदर एग्जाम्पल है साउथ, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका भी है और सेंट्रल अफ्रीका भी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। चूंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल है, तो उनके बीच फूड के लिए और रहने के लिए क्या होगा, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन उनके बीच चल रहा होगा। तो बहुत से एनिमल अपने आप को क्या करते हैं, इस प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं पेड़ों पे रहने के लिए।
ये जो रेड आई फ्रॉग है दोस्तों, रेड आई फ्रॉग है, इसका क्या होता है, इसका जो स्टिकी पैड होता है, इसके पास स्टिकी पैड होता है, कहाँ पे स्टिकी पैड होता है, इसके फीट में, जिसकी वजह से क्या करता है, ये पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ों पे रहता है। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये टुकन बर्ड है, आप भी देख रहे होंगे। टुकन बर्ड की क्या है, जो इसकी बीक, इसकी चोंच होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, लॉन्ग और लार्ज इसकी बीक होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से क्या करता है, ये बड़ी आसानी से उन शाखाओं तक पहुंच जाता है जिसपे फल लगे होते हैं, क्योंकि वो शाखाएं अगर जो बहुत कमजोर हैं, इनके इनके वेट को नहीं सह पाती हैं और ये टूट जाती हैं शाखाएं, तो ये जो इसकी लार्ज बीक होती है उनको फलों तक पहुंचने में क्या करती है, मदद करती है। दूसरा क्या है दोस्तों, टेल लायन मकाऊ, जिसे बियर्ड ऐप कहते हैं, टेल लायन मकाऊ जिसे बियर्ड ऐप कहते हैं, इनकी जो स्किन होती है क्या होती है, ये चांदी जैसे, चांदी जैसी सफेद सफेद अयाल है, जो इनके अयाल है जो इनके सिर के चारों ओर, इनके गालों और इनके चिन तक रहती है, चिन तक रहती है। ये क्या है, बहुत अच्छा क्लाइंबर है, क्लाइंबर है। ये अपना पूरा टाइम क्या करता है, मैक्सिमम टाइम ये अपना पेड़ों पर बिताता है, मैक्सिमम टाइम ये अपना क्या करता है, पेड़ों पे बिताता है। ये क्या खाता है, ये मेनली खाता है, मेनली खाता है फ्रूट्स को, और क्या खाता है उसके साथ साथ, वो उसके सीड्स को खाएगा, लीव्स को भी खाता है, उसके स्टेम को भी खाता है, फ्लावर को खाता है, उसके बड को भी खाता है। ये यदा कदा ही जमीन पे आते हैं। तो ये जो मकाऊ है, ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, तो मकाऊ पाया जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने वेदर के बारे में पढ़ा और रेनफॉल के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा, पोलर रीजन के बारे में पढ़ा, ये भी पढ़ा पोलर रीजन इतना ठंडा होता है, तो उसमें रहने वाले जो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड के बारे में हमने पढ़ा। माइग्रेटरी बर्ड के बाद पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि चूंकि बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल है तो उनके बीच कंपटीशन होता है भोजन और रहने के लिए, तो वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, बहुत से लोग उसमें पेड़ों पे रहने लगते हैं। तो पेड़ों पे रहने वालों का मैंने एग्जाम्पल बताया, रेड आई फ्रॉग टुकन बर्ड बताया, और जो है लायन टेल मकाऊ बताया, जिसे बी और ऐप कहते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे थंडर स्ट्रॉम के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं तड़ित तड़ित झंझा। तो ये जो तड़ित झंझा होता है, ये कहाँ डेवलप होता है, ये डेवलप होता है हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में, जो ये तापमान में वृद्धि होती है, तो क्या होता है, ऊपर उठती हुई जो जो हवा होती है वो बहुत प्रबल हो जाती है। ये अपने साथ क्या कैरी करती है, वाटर की ड्रॉपलेट कैरी करती है। जहां पे वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, तो ये वाटर की ड्रॉपलेट है दोस्तों फ्रीज हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। चूंकि क्या हो रहा है कि नीचे गिर रही है वाटर की ड्रॉपलेट और ऊपर उठती हुई हवा, क्या इनकी रिएक्शन से क्या होता है, इनकी रिएक्शन से क्या होता है, बिजली कौंधती है और एक साउंड उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं तड़ित झंझा। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं टॉर्नेडो क्या है। टॉर्नेडो, ये ज्यादातर जितने भी टॉर्नेडो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर जितने भी टॉर्नेडो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, वीक होते हैं। जो एक बॉयलेंट टॉर्नेडो होता है वो कितने स्पीड से ट्रेवल करता है, बॉयलेंट टॉर्नेडो जो होता है वो ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर से। एक बॉयलेंट टॉर्नेडो ये ट्रेवल करता है 300 किलोमीटर स्पीड से पर आवर ट्रेवल करता है। और ये टॉर्नेडो टॉर्नेडो जो होता है वो कहाँ बनता है, बन सकता है मेफॉर्म विद इन
साइक्लोन, साइक्लोन दोस्तों अभी हम आगे साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके का चक्रवात, चक्रवात, चक्रवात। बादल बनने से पहले क्या होता है? वाटर जो होता है वो हमारे वायुमंडल से ऊष्मा लेके किस में चेंज हो जाता है? जलवाष्प में। जब ये जलवाष्प दोबारा वाटर में कन्वर्ट होता है और रेन ड्रॉप के रूप में चेंज हो जाता है, तो ये जो ऊष्मा वायुमंडल से लिया था उसको वायुमंडल में रिलीज कर देता है। वार्म एयर क्या करती है? वार्म एयर ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, और ऊपर जाके क्या होता है? ऊपर जाके प्रेशर में कमी आ जाती है। मोर मोर एयर किधर रश करती है? मोर एयर रश करती है सेंटर ऑफ स्टॉर्म की ओर। तो इस जो साइकिल की घटना का अंत होता है वो कैसे होता है? इसका अंत होता है निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के रूप में जब उसके चारों ओर क्या होती है हाई हाई बेरी हाई विंड की जो हवा होती है उसके चारों ओर बेरी हाई विंड की हवा जो है वो कुंडली के रूप में घूमती रहती है। उसे ही हम कहते हैं साइक्लोन या चक्रवात। चूंकि दोस्तों ये जो साइक्लोन या चक्रवात होता है इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सीवियर लॉस होता है। सीवियर लॉस होता है किसका? लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का। और ये साइक्लोन क्या करता है? रिड्यूस करता है। रिड्यूस करता है क्या? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को भी ये कम कर देता है, क्योंकि इसमें हवा इतनी तेज होती है तो जो मिट्टी है वो उड़ जाती है उपजाऊ, अगर वहां पेड़ पौधे ना हो तो। और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस जब हैवी रेनफॉल होता है, कॉन्टिन्यूअस जब हैवी रेनफॉल होता हैवी रेनफॉल होता है तो उस टाइम क्या हो जाता है? वॉश हो जाती है, बाढ़ की सिचुएशन आ सकती है, बाढ़ की सिचुएशन आ सकती है। और इसमें क्या है? इसमें बहुत हाई विंड स्पीड चलती है, हाई विंड स्पीड होती है जो डैमेज कर सकती है किसको? हमारे घरों को, टेलीफोन को, टेलीफोन को और अदर कम्युनिकेशन सिस्टम को वो डैमेज कर सकती है हाई विंड स्पीड। तो दोस्तों ये दो नोट हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। साइक्लोन नेम हरिकन ये कहाँ आया था? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आया था। साइक्लोन नेम टाइफून ये आया था कहाँ पे? फिलीपींस और जापान में। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने वेदर के बारे में जाना, क्लाइमेट्स के बारे में जाना, पोलर रीजन के बारे में पढ़ा। पोलर रीजन में सीजन तो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, और हमने थंडर स्टॉर्म के बारे में जाना, ये थंडर स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन के बारे में जाना, टार्नेडो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, साइक्लोन नेम हरिकन कहाँ आया था और टाइफून ये कहाँ आया था। तो दोस्तों हमने यहाँ तक आज डिस्कस किया। कल हम क्या करेंगे? कल हम नया चैप्टर सॉइल से स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसको, या डाउट कोई होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। धन्यवाद।